हेलो दोस्तों, YouTube की तरफ से जो है कि दो बहुत ही बड़े अपडेट आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में ये दोनों अपडेट के बारे में डीप में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आप ये दोनों अपडेट जानना चाहते हैं तो फाइनली इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं हम। सो हेलो दोस्तों, मैं माजिद महफूज और आप सभी लोगों का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पहला अपडेट ये है कि यूट्यूब की तरफ से मान लीजिए आपको जो है कि अपने चैनल्स का नाम रीनेम करना है, मतलब कि चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता था कि आप गूगल में जाते थे, वहां गूगल अकाउंट में जाते थे, उसके बाद वहां से जो कि रिनेम करते थे। बट यहां पर बहुत ही आसान हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपको वाइट स्टूडियो में जाना है और वहां से जो है कि कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पर तीन ऑप्शन मिलने वाले, लेआउट, बेसिक इन्फो एंड ब्रांडिंग। तो आपको जो लास्ट में बेसिक इन्फो देकर फाइनली आपको बेसिक इन्फो पर क्लिक करना है। और यहां पर सबसे ऊपर आप लोग देखें, आपको यहां पर चैनल्स का नाम टेक्निकल माजिद या फिर आपका जो चैनल्स का नाम होगा आपको यहां पर दिखाया जाएगा। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो फाइनली आप पेंसिल के आइकन पर क्लिक करें, उसके बाद यहां से फाइनल नेम चेंज करें, उसके बाद पब्लिश कर दें, तो आपका जो चैनल्स का नेम है वो चेंज हो जाएगा। और इतना नहीं, आप यहां से जो है कि डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर सकते हैं या फिर और कुछ ऐड करना चाहें तो वहां पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप जो है कि अपने चैनल्स का नाम चेंज करते हैं तो आपका यू आर एल चेंज नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जो यू आर एल है वो रहेगा। यदि यू आर एल को आप चेंज करना चाहते हैं तो उसका अलग प्रोसेस है, आप उसको अलग तरीके से चेंज कर पाइएगा, ठीक है। तो और इसमें एक क्वेश्चन और ये है कि मान लीजिए आपको जो है कि वेरीफिकेशन बैज मिला है, तो जब आप रिनेम करेंगे तो वो वेरिफिकेशन बैज हट जाएगा, मतलब जो वेरिफिकेशन ब्लू टिक होता है वो हट जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि आपको फिर से रीअप्लाई करना होगा बैज के लिए, तो आपको फाइनली सक्सेसफुली जो है कि बैज मिल जाएगा। तो सो दूसरा अपडेट ये है यूट्यूब की तरफ से, जब आप यूट्यूब शॉर्ट्स में वीडियो बनाते हैं, जब आप यूट्यूब ऐप्स करते हैं वहाँ पर जो कि शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं, तो फाइनली आपको जो कि 15 ही सेकंड की आप वहाँ से वीडियोज़ बना सकते थे यूट्यूब ऐप से, तो अब जो है कि उसको चेंज करके 60 सेकंड कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप जो कि 60 सेकंड की वीडियोज़ को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन शॉट देखें, 15 सेकंड, जब आप 15 सेकंड पर क्लिक करें स्विच करके 60 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से लगभग 1 मिनट की वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं 60 वीडियोस में। दोस्तों, ये दोनों अपडेट YouTube के आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।